हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, अगर आप शानदार तरीके से अंग्रेजी बोलकर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका प्रोनंसिएशन शानदार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी बात को नजर में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर सी का करेक्ट उच्चारण, यानी लेटर सी का क्या आवाज होता है। फ्रेंड्स, लेटर सी का आवाज कभी स और कभी क होता है। अब इसका एक तरीका है जो आपको जानना होगा कि कब स और कब क। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। जब सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का आवाज स होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां मैंने सी लिखा हुआ है और सी के बाद ई आया हुआ है। तो ऐसा कंडीशन जहां कहीं सी लिखा हो और सी के बाद ई आया हो, या आई आया हो, या वाई आया हो, तो इस सूरत में सी का आवाज स होगा। हम इसे कहते हैं सेल। आप यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर सी आया हुआ है और सी के बाद ई आया है, इसलिए हम इसे कहते हैं बैलेंस। इसे हम फैंसी कहते हैं क्योंकि यहां पर आप सी देख सकते हैं और सी के बाद वाई आया है। तो जब ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कहीं सी लिखा हो और सी के बाद वाई आया हो, तो सी का आवाज स होता है। यह है सेंटर, यह है सर्टन। क्यों? क्योंकि सी के बाद ई आया हुआ है। यह है सिटी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां सी आया हुआ है और यहां सी के बाद आई आया हुआ है। तो जब कहीं सी लिखा हो और सी के बाद आई हो तो सी का आवाज स होता है। डिवाइस, प्राइस, साइकिल, सर्कल, सिटीजन, पॉलिसी, ग्लैंस। तो फ्रेंड्स, इन सभी वर्ड्स में सी का आवाज स है क्योंकि सी के बाद ई आई वाई आया है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको यह बात समझ में आया है कि अगर कहीं सी लिखा है और सी के बाद ई आई वाई, इन तीनों में से कोई हो, तो सी का आवाज स होगा। आइए अगला रूल देखते हैं। फ्रेंड्स, जब सी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन, यानी कोई कॉन्सोनेंट हो, तो सी का उच्चारण क होता है। यानी अगर सी के बाद ए ओ यू हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, तो सी का आवाज क होता है। जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर सी आया है और सी के बाद ए आया है, तो इस सी का आवाज होगा क। हम इसे कहते हैं कैट। यहां देख सकते हैं सी आया है और सी के बाद ओ आया है, तो यहां सी का आवाज होगा क। हम इसे कहते हैं कॉट। यहां देखिए सी आया है और सी के बाद यू आया है, तो जब सी के बाद ए ओ यू आए तो सी का आवाज होता है क। इसे कहते हैं कट। यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी आया है और सी के बाद एक कॉन्सोनेंट यानी एक व्यंजन आया है, तो यहां सी का आवाज होगा क, इसलिए हम इसे कहते हैं क्रेब। यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स, सी आया है और सी के बाद एक कॉन्सोनेंट आया है, तो यहां सी का आवाज होगा क। हम इसे कहते हैं कलब, केबल, कॉफिन, क्लियर, कॉल्ट, कर्ब। तो फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखेंगे कि अगर कहीं सी लिखा है और सी के बाद ए ओ यू या कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो सी का आवाज क होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, नियम के अपवाद होते हैं, यानी रूल के एक्सेप्शन होते हैं। तो यहां मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा जो एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, मतलब जहां रूल फॉलो नहीं होता। फ्रेंड्स, आप यहां गौर करें, मैंने यहां लिखा है फसाद। आप देख सकते हैं यहां पर सी लिखा है और सी के बाद आया है ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी के बाद अगर ए आए तो सी का आवाज होगा क, लेकिन ये एक ऐसा वर्ड है जहां सी के बाद ए आने के बावजूद भी सी का आवाज क नहीं बल्कि सी का आवाज स है। इसे हम अपवाद या एक्सेप्शन कहते हैं और इसका मतलब होता है इमारत। तो ये बात आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स, कई बार लेटर सी का आवाज श होता है। ऐसा तब होता है फ्रेंड्स जब लेटर सी के बाद आई ए एन या सी के बाद आई ए एल या सी के बाद आई ओ यू एस या सी के बाद आई ई एन टी या सी के बाद ई ए एन
या सी के बाद आई ई एन हो। जब लेटर सी के बाद ये सभी लेटर्स आते हैं तो लेटर सी का आवाज श होता है, जैसे एंशंट, सफिशंट, स्पेशल, रेसल, डिफिशियंसी, ग्रेसस, ऑप्टिशन, ऑशन, ब्यूटिशन। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड्स में सी आई ई एन टी आया है, यहाँ सी आई ए एल आया हुआ है, यहाँ सी आई ई एन यानी सी आई ई एन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब लेटर सी के बाद ये सभी लेटर्स आए तो वहां लेटर सी का आवाज श होता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको यह कंसेप्ट बड़े शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।